वो कंपनी है जिसकी इसको जिम्मेदार ठहराते हैं। हमें बेबी कैर की तरफ से कोई खबर नहीं दी गई। नूर जहां के नाम से बेटी बरती है जिसकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। हमें पता ही नहीं, हमें 12 बजे पता चली है कि वहाँ हॉस्पिटल में आग लगी है। कुछ नहीं होगा, 5 लाख दिए गए, 10 लाख दिए गए, कुछ नहीं होगा। ये दूसरा बच्चा था, पहले बच्चे की भी डेथ हो गई। राजकोट से दिल्ली तक आग से चीख पुकार। गुजरात के गेम जोन में बच्चों समेत 28 लोगों की मौत। दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में 6 नवजातों ने दम तोड़ा। सवाल है, दो शहरों में 34 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, आग या लापरवाही? जो करना है सरकार को करना है। सरकार कहेंगे कैसा मोरबी मसला हुआ तो कैसा, और बच्चे लोग डूबे थे वहां पर कैसा, यहां पर ऐसा होगा, वहां पर हो गया ऐसा, सब कुछ ढक जाएगा। 15 तारीख को भर्ती कराया गया था, क्या नाम, गुप्ता नसीम हमसे, और आज 26 तारीख का 12वां दिन था। आज हमसे 10-15-20 हजार रुपए रोज लिए जा रहे थे इसमें बेबी केयर में। हमें ये पता नहीं था यहाँ पे गोरखनंदा सिलेंडर का चल रहा है, वहाँ पे रोज सिलेंडर की गाड़ियाँ उतरती थी, हमें ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे गोरखनंदा सिलेंडर का चल रहा है। दिल्ली से गुजरात तक मौत पर ही तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, सुरक्षा नियमों की अनदेखी की बात हो रही है, लेकिन सवाल है कि हादसे से पहले ऐसे मौत के जोन की जांच क्यों नहीं हुई? वहां पे फायर का एनओसी नहीं थी। जब फायर की एनओसी नहीं होती है तो ऐसे जगह पे इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट चालू कैसे है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसमें प्रशासन है जवाबदार, उसमें वो जो आदमी जवाबदार है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पुलिस ने जांच में ये भी पाया कि इसी साल मई महीने में इस गेम जोन के मालिकों ने यहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अप्रोच किया था, उन्हें पत्र दिया था और पत्र देकर इस गेम जोन में फायर की एनओसी के लिए एप्लीकेशन किया था, और इस एप्लीकेशन के बाद फायर से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसे इंस्टॉल करने का काम भी शुरू हुआ था। राजकोट हादसे पर राजकोट पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की जानकारी दी है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सच ये है कि जब ये गेम जोन चल रहा था तो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आते जाते रहे, लेकिन किसी की यहाँ की लापरवाही पर नजर नहीं गई। किसी ने ये नहीं देखा कि आग लगने पर लोगों को इस गेम जोन के बाहर कैसे निकाला जाएगा। सबने आंखें बंद कर रखी थी, इसलिए जब आग लगी तो लोगों को निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। आग के चपेट में आकर 28 लोगों की मौत हो गई। मैं आपको उसी जगह का दृश्य दिखा रहा हूँ, यही वो स्ट्रक्चर था जहाँ पर गेम जोन हुआ करता था। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो 2 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर पास में एक एग्जिट पॉइंट है, और आग के चलते एग्जिट पॉइंट भी कहा जाता है कि ब्लॉक हो गया था, जिसे खोलने में समय लगा, और समय लगने की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो गैस के चलते बेहोश हो गए या फिर आग की चपेट में आ गए। आप देख सकते हैं कि ये पूरा मैदान फिलहाल साफ कर दिया गया है जेसीबी की मदद से। हादसे में मारे गए कई लोगों की पहचान हो चुकी है, लेकिन बहुत से हैं जिनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पुलिस डीएनए के जरिए पहचान की कोशिश में जुटी हुई है। राजकोट के गेमिंग जोन में काम करने वाले जिग्नेश गढ़वी भी लापता हैं। जिग्नेश के चचेरे भाई सहदेव और अमित गढ़वी ने एबीपी न्यूज को बताया कि जिग्नेश 20 दिन पहले ही टीआरपी गेम जोन में नौकरी पर लगा था, लेकिन आग लगने के बाद से उसकी कोई खबर नहीं है, फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस ने डीएनए सैंपल कलेक्ट किया है और अब रिपोर्ट आने का इंतजार है। वहीं दिल्ली में पुलिस ने बेबी केयर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल है कि समय रहते ऐसी लापरवाहियों को क्यों नहीं रोका जाता। सवाल ये भी है कि दिल्ली से राजकोट तक और कितने ऐसे मौत के जोन हैं, उनकी पहचान कब होगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।